तो ये भाषा जो है वो इन एलिमेंट्री चीज़ों को लेकर के जो बिल्कुल साफ चित्रण कर रही हैं हर चीज़ों का, उनके रिलेशन को जोड़ते हुए हम पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग इन्होंने सारी दी है। मीनिंग वो है जो चीज़ की पिक्चर सामने पैदा कर दे। पानी माने जल, जल माने पानी नहीं, बल्कि पानी का मतलब है कि जैसे हम कहेंगे इट इज़ वाटर, तो वाटर के सामने हमारे आ जाए कि कोई ऐसी चीज़ होती है जो बहने वाली होती है और जिससे प्यास बुझाई जा सकती है। हम ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे जिससे कि वाटर का चित्र हमारे सामने आ जाए, तो हम कहेंगे ये मीनिंगफुल प्रपोजिशन हो गई। अगर वो चित्र हमारे सामने नहीं आता तो मीनिंगलेस हो जाएगी। तो जब हमने प्रपोजिशंस को समझ लिया तो अब हमारे पास ये आ जाएगी तीसरी चीज़ कि कौन सी चीज़ मीनिंगफुली कही जा सकती है और कौन सी चीज़ मीनिंगफुली नहीं कही जा सकती। तो इन्होंने एक एक चीज़ में से देखा कि एलिमेंट्री प्रपोजिशन साफ हर एक रिलेशन का, हर एक व्यवस्था का, स्टेट ऑफ अफेयर का चित्र हमारे सामने पेश कर देती है। और जो व्यवस्था हमारे सामने है ही नहीं, जो रिलेशंस हमने देखे ही नहीं, जब हमने उनके सामने कुछ कहने की कोशिश की तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है, मीनिंगलेस। ये भी कल हमने देखा था, जो इन्होंने कल कहा था उसी को एक्सप्लेन हम कर रहे हैं कि ऑल फिलॉसफी इज द आउटकम ऑफ बैड ग्रामर, ऑल फिलॉसफी इज द आउटकम ऑफ मिसयूज ऑफ लैंग्वेज। जब लैंग्वेज का मिसयूज कर देते हैं हम, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पीकेबल तो हैं, लैंग्वेज में बोल तो सकते हैं वो, लेकिन उनको समझ नहीं सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा कि ट्रायंगुलर सर्कल, तो बोल तो देंगे, लैंग्वेज में कुछ एब्सर्ड चीज भी बोल दो, एब्सर्ड चीज़ें भी बोली जा सकती हैं। तो हर एक चीज़ जो स्पीकेबल है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। बहुत सारी मूर्खता की बातें हम बोलते रहते हैं क्योंकि वो स्पीकेबल हैं, भाषा में तो कुछ भी बोल दो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा कि उसकी एलिमेंट्री प्रपोजिशन बनानी पड़ेगी। क्या कोई एलिमेंट्री पोजिशन में उस सिंपल चीज़ को और उस सिंपल रिलेशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है? अब जिनके हम रिलेशन ही नहीं देख रहे, तो इन्होंने कहा सारे मेटाफिजिकल, जितने भी मेटाफिजिकल स्टेटमेंट हैं और जितने भी रिलीजियस स्टेटमेंट हैं, वो सारे के सारे ऐसे हैं जिनको एलिमेंट्री प्रपोजिशन में रिड्यूस नहीं किया जा सकता। तो जब हम उस चीज़ को भाषा में लाने की कोशिश करते हैं जिसको भाषा में नहीं लाया जा सकता, व्हेन वी ट्राई टू एक्सप्रेस दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस, अब ये स्पीक नहीं है, एक्सप्रेस है। स्पीक तो हर एक चीज़, मूर्खता की बातें भी स्पीक की जा सकती हैं, लेकिन एक्सप्रेशन किसका है इसके लिए भी हमें समझना पड़ेगा दो चीज़ों का डिफरेंस, जो कल हमने बात की थी कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रपोजिशन है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो डेफिनेशन देती हैं, जो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं। तो इन प्रपोजिशंस को समझने के लिए कि कुछ प्रपोजिशन ऐसी हैं जो केवल डिमॉन्स्ट्रेट तो हो सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो डिमॉन्स्ट्रेट भी नहीं हो सकती। तो मेटाफिजिकल प्रपोजिशन सारी ऐसी हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट भी नहीं कर सकते, दिखा भी नहीं सकते कि देखो जी ये गॉड है एरिया। और जब गॉड का हमें रिलेशन ही नहीं देखा हमने किसी की चीज़, तो अपनी तरफ से हमने ज़बरदस्ती रिलेशन थोप दिया गॉड पर, वो रिलेशन है या नहीं है? गॉड ने इस पौधे को पैदा किया है, गॉड माली के रूप में आया या नहीं आया, क्या पता। तो जिन चीज़ों का हमने रिलेशन ही नहीं देखा, जिनकी हमने व्यवस्था ही नहीं देखी, उनको हम प्रपोजिशन, मीनिंगफुल प्रपोजिशन में लाना चाहते हैं तो हम सारी गलती कर जाते हैं, मीनिंगलेस बातें कह जाते हैं। इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम उस व्यवस्था को, फैक्ट्स को
हम फैक्ट्स को एक्सप्लेन करना, वस्तु को एक्सप्लेन करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है वस्तु को एक्सप्लेन तो ग्रामर के सेंटेंस में कर दिया जाता है, हम लॉजिक के सेंटेंस में फैक्ट्स को एक्सप्लेन करना चाहते हैं और फैक्ट्स में व्यवस्था और रिलेशन देखे जाते हैं। तो जब मेटाफिजिकल हमने रिलेशन देखे नहीं है तो हमें अदर वर्ल्ड बनाने कैसे बना लेंगे हम दूसरी, उस जगत में क्या रिलेशन है आपस के हमें पता ही नहीं। शिव जी का रिलेशन आम से क्या है रिलेशन, लेकिन हमने कह दिया शिव जी पे आम चढ़ाओ, भाई हमने कहीं देखा है कोई रिलेशन जगत में कहीं, इसको हमने कहीं एक्सप्लेन किया है, कोई एलिमेंट्री प्रपोजिशन में इस व्यवस्था की कोई गुंजाइश है। एलिमेंट्री प्रपोजिशन सरल बिल्कुल होती है, लेकिन वस्तु को बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन करती है जैसे है, एज इट इज़ एक्सप्लेन कर दे, तो वो कह ये फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया। तो तीसरी चीज़ जो इन्होंने कही थी कि मेरे सिद्धांत को समझने के लिए आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रपोजिशन और डिस्क्रिप्टिव प्रपोजिशन इन दोनों में भेद समझना पड़ेगा, और ऐसी चीज़ें जो डिमॉन्स्ट्रेटिव भी नहीं है और डिस्क्रिप्टिव भी नहीं है वो मीनिंगलेस प्रपोजिशन है, उनको मीनिंगलेस। अब ये मीनिंगलेस का शब्द जो इन्होंने इस्तेमाल किया है उसको ही इन्होंने लॉजिकल पॉजिटिविस्ट ने ले लिया, लेकिन उन्होंने और ज़्यादा आग्रह करके कहा नॉनसेंसिकल, मूर्खता। इन्होंने सिर्फ मीनिंगलेस कहा, निरर्थक तुम बातें कर रहे हो, ये बातें जो है निरर्थक हैं सारी। इन्होंने कहा मेटाफिजिक्स की बातें जो हैं वो नॉनसेंसिकल, मूर्खता की बातें सारी। जिन चीज़ों को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जब आप उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो तो आप भाषा को तोड़ते हो, मरोड़ते हो, उसमें कहीं एग्जैजरेशन लाते हो, कहीं उसके अंदर उपमाएं घुसेड़ते हो और चाहते हो हम इसको एक्सप्लेन कर दें, वो भाषा की साधारण भाषा में एक्सप्लेन नहीं हो सकते, लॉजिकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं हो सकते वो, उनके लिए आपको लैंग्वेज को तोड़ना मोड़ना पड़ा करता। तो मिसयूज ऑफ लैंग्वेज में से फिलॉसफी निकली आती है, मेटाफिजिक्स निकली आती है। अब जब ये सारी चीज़ें निकली आई आपकी, जो हमने देखा कि बिल्कुल एलिमिनेट हो गई जो चीज़ एलिमेंट्री प्रपोजिशन के रूप में हमारे सामने, यानी जो चित्र प्रस्तुत नहीं करती दुनिया का, एज इट इज जैसी दुनिया है, जैसी फैक्ट्स हैं, जैसी व्यवस्था है दुनिया की, उसका वैसा का वैसा ही चित्र हमारे सामने पेश नहीं करती तो मीनिंगलेस चीज़ें हो जाती हैं। तो इन्होंने इसको भी निकाल दिया कि मीनिंगफुल स्टेटमेंट, और मीनिंगफुल स्टेटमेंट के बाद उन्होंने कहा एक आदर्श लैंग्वेज बनानी पड़ेगी, जिस लैंग्वेज में कोई भी ऐसी चीज़ ना आए जो चित्रण ना कर सके, जो फैक्ट्स का चित्रण ना कर सके, ऐसी कोई चीज़ हमारी लैंग्वेज में नहीं आनी चाहिए। तो इन्होंने चौथा काम किया लैंग्वेज को ठीक करने का, जगत को जानने के लिए एक ऐसी लैंग्वेज बनानी पड़ेगी जो लॉजिकल लैंग्वेज हो, जगत को बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन हो। जो स्पष्ट रूप से नहीं करेगी तो वो जैसे इन्होंने कहा कि तोड़ना पड़ेगा भाषा को। अब हम जिस चीज़ को स्पष्ट रूप से नहीं करते उसमें कहीं, कल हमने यही कहा था कि हम गए एक आदमी के घर, वहाँ 50 आदमियों का भोजन होना था, तो 50 आदमियों के भोजन के लिए तंदूरी रोटियाँ सिक्का आ रही थी, तो उन्होंने एक तरफ मक्खन रख दिया इतना सारा, तंदूर में से रोटी निकले मक्खन पर रख लो खाना शुरू करो। तो हम जब एक्सप्लेन करने के लिए बैठे तो हमने भाषा को तोड़ मरोड़ दिया, हमने फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए लॉजिकल एलिमेंट्री पोजीशन नहीं बनाई, और हमने कहा अरे वहाँ तो गए, वहाँ तो मक्खन का पहाड़ लगा हुआ था। अब ये लैंग्वेज हमने जो इस्तेमाल की वो मीनिंगलेस लैंग्वेज है, मक्खन के पहाड़ नहीं होते कहीं भी दुनिया में, हो भी नहीं सकते। मक्खन के बारे में कोई एलिमेंट्री वो बनाओगे आप, और पहाड़ के बारे में कोई बनाओगे, उन दोनों का कोई संबंध नहीं होगा आपस में, लॉजिकली जोड़ने की कोशिश करोगे नहीं जोड़ेंगे वो किसी तरह भी। तो आपने लैंग्वेज का नाश मार करके मक्खन का पहाड़ और एक्सप्लेन कर दिया। इसके लिए भी इसने पहले कहा था, विटगेंस ने शुरू में उन्होंने कहा था कि जो ये लैंग्वेज होती है कॉमन सेंस लैंग्वेज, या जो लैंग्वेज हम साधारण भाषा में बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज जो है
ये पोइट्री तो बन सकती है, फिलॉसफी नहीं बन सकती। फिलॉसफी में तो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए जो शब्द बोलो। इसीलिए इन्होंने जो वाक्य था इनका, उस वाक्य को एक्सप्लेन कर दिया। इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक, स्पीक मीनिंगफुली, अदरवाइज रिमेन साइलेंस, पास इट ऑन टू साइलेंस। तो संसार की सारी समस्याओं को एक्सप्लेन करने के लिए आपको पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग लानी पड़ेगी। जो जो आप कह रहे हैं वो सामने एकदम पिक्चर बना के खड़ी कर दे उस चीज़ की, कि चीज़ ऐसी है तो वो मीनिंगफुल है, नहीं तो नहीं है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद ये रह गया कि वो जो जब रहस्यमयी लैंग्वेज बनाने लगे, आदर्श लैंग्वेज बनाने लगे, तो बड़ी दिक्कत पड़ गई, क्योंकि आपको शब्दावली तो साधारण भाषा से ही लानी पड़ेगी। अब साधारण भाषा से शब्दावली ला करके आप इस रहस्यमय जगत का रहस्य खोलना चाहते हो, तो एक रहस्य इनके सामने आ गया कि आदर्श भाषा कैसे बनाया। ऐसी आदर्श भाषा बनाओ जिसमें कन्फ्यूजन की ज़रा सी भी गुंजाइश ना रहे, एकदम चित्र हमारे सामने आ जाए जो कुछ हम कहना चाहते हैं। मैं यहीं बैठे बैठे कुछ कहना चाहता हूँ तो यूनिवर्सिटी का चित्र हमारे सामने उभर के आ जाए तो मीनिंगफुल है, नहीं तो हमारी मीनिंग लेस लैंग्वेज। तो इन्होंने विटगेंस्टीन ने जो हमने बातें कही थी ट्रैक्टेटस में, उन सारी बातों को जो आज हमने थोड़ा जिस्ट बना दिया, बहुत ही जिस्ट बना दिया हमने उन सारी चीज़ों का। पहली चीज़ क्या है कि जगत क्या है इसको समझो, और जगत को समझने के लिए फैक्ट्स और वस्तु इनका भेद समझना पड़ेगा। स्टेट ऑफ अफेयर क्या होती है वो समझना पड़ेगा, और स्टेट ऑफ अफेयर में ही से फैक्ट निकलेंगी, वस्तुएं नहीं निकलेंगी, क्योंकि संसार की वस्तुओं के आपस में रिलेशन और व्यवस्था को समझे बिना संसार को नहीं समझ सकते। तो पहली चीज़ ये थी, इन्होंने कहा पहली चीज़ ये समझो, बहुत डिटेल में इन्होंने सारी फैक्ट्स क्या हैं, वस्तु क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसको सारी समझाने के लिए। और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है सारी के, फिर प्रपोजिशन कितनी तरह की होती हैं, उसमें एलिमेंट्री प्रपोजिशन है और दूसरी प्रपोजिशन है लॉजिक की, वो सारी समझाने की कोशिश की, फिर उनको जोड़ने के लिए। फिर उन्होंने अपनी चित्र पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग दी। एलिमेंट्री प्रपोजिशन वो है जो बिल्कुल पिक्चर सामने खड़े कर देती है, उसको जोड़ जोड़ करके हम कंपाउंड प्रपोजिशन बनाते चले जाएँ, कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद उन्होंने मीनिंगलेस चीज़ों को उड़ाने के लिए कहा, जो बोला जा सकता है और जो नहीं बोला जा सकता, उन दोनों में भेद करके बता दिया कि मेटाफिजिक्स सारी नहीं बोली जा सकती। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आदर्श भाषा को बनाना है हमने, वो एक रहस्यमयी भाषा होगी, उसके लिए हमने कोशिश करना है कि ऐसी आदर्श भाषा इवॉल्व करें हम जिसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन कहीं ना हो, वो रियलिटी की भाषा होगी। फिलॉसफी का काम ही ये है, फिलॉसफी का काम समस्याओं का समाधान खोजना नहीं है, समस्याओं का समाधान खोजना साइंस का काम है, फिलॉसफी का काम है क्लैरिटी। जो भी बात कही जाए वो इतनी क्लियर करके की जाए, उसको एनालाइज करके किसी तरह भी करके एलिमेंट्री पोजीशन में रिड्यूस करो, और रिड्यूस करके उसको कर दो कि बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए उस चीज़। तो विस्कैंटिन का ट्रैक्टेटस इन पांचों चीज़ों को लेकर के समाप्त होता है। बहुत बड़ी किताब है, हालांकि 75 पेज की है, लेकिन एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन इतना गहरा है उसमें कि उस वो बड़ी किताब बड़ी गहरी किताब बन जाती है। अब हम दूसरी तरफ आएंगे, विटगेंस्टीन का वो रूप जो उन्होंने जिसको कहते हैं लेटर विटगेंस्टीन या रियल विटगेंस्टीन, हम उस पर बात करेंगे।